नंबर 5 हल कीजिए, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1 तथा x माइनस y बटे 3 बराबर 3। तो देखिए अच्छे से, सबसे पहले तो इसको हम रैखिक के रूप में बना लेते हैं, ये भिन्न वाला हटा देते हैं। तो इसमें जब हर बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से, तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दुना 4y बटे में कितना आ जाएगा पूरे में 6, और इधर कितना लिखा है 1, तो ये जो बटे में 6 है इस दर गुणे के साथ में चला जाएगा, कितना हो गया माइनस का 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक, इधर देखिए इसमें किस संख्या से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का वाई बटे में 3, तो ये जो बटे में 3 है वज्र गुणन से यहाँ चला जाएगा, तो 3 की जब इसमें 3 से गुणा हो जाएगी 3 × 9, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए इसमें या तो फिर x को गायब कर दीजिए या फिर y को। अगर x को गायब करना है तो देखिए 3x यहाँ पर भी लिखा है, 3x यहाँ पर भी लिखा है, यानी सेम संख्या है, तो ऊपर नीचे रखते हैं तो 3x माइनस का y बराबर कितना 9। अब देखिए जब चिन्ह कैसे हैं समान, तो समान चिन्ह जब हो तो लिखा जाता है घटाने पर, तो जब घटाने पर लिखेंगे तो देखिए ये जो प्लस का है किसका हो गया माइनस का, ये जो माइनस है किसका हो गया प्लस का, ये जो प्लस का है ये किसका हो गया माइनस का, तो ये गया कट। अब देखिए 4y और 1y कितना हो गया 5y, इधर समझिए माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 15, तो y का मान आ गया माइनस का 15/5, 15/5, यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 3, ये आ गया y का मान। अब ये y का जो मान है किसी में भी रख दें, चाहे तो समीकरण सेकंड में रख दें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर किसी में भी, कोई ये नहीं कि हम फर्स्ट में रखें या फिर सेकंड में, तो सेकंड या तो फिर चाहे उतार लें या फिर हमारा लिखा है तो हम लिख देते हैं 3x माइनस y का मान कितना आया माइनस का 3। देखिए ये माइनस कौन सा है सवाल वाला, और y का मान कितना है माइनस का 3 बराबर 9, तो देखिए 3x, देखिए ये माइनस का माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस किसका हो गया ये माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, लेकिन उधर जब जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3। ठीक, माइनस माइनस प्लस का 3, उधर गया माइनस का 3, तो 3x बराबर 6, तो यानी x का मान कितना आ गया 6/3, यानी x का मान आ गया 2, यानी x का मान 2, और y का मान कितना है y का मान है 3, x का मान 2 और y का मान 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, y का मान माइनस का 3 है, ध्यान रखना।